वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अभिषेक। आई होप द डे इज गोइंग वेल। आज का टॉपिक है माइनर स्किल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मेजर स्किल्स के बारे में पढ़ा था, आज इस वीडियो में हम माइनर स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे इन स्किल्स की फॉर्मेशन की जाती है, कैसे इन स्किल्स को रीड किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई वांट टू मेक एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप सब जानते होंगे COVID-19 के बारे में। ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताइए, घर पे रहिए, अपना जो काम है वो घर पे रहकर ही करें। ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना खाएं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए अपने डाइट में। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया स्वस्थ रहेगी। जो व्यूअर्स आज यहाँ पे न्यू हैं, जिन्हें नहीं पता म्यूजिक स्केल्स क्या होते हैं, वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक स्केल्स, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जस्ट टच द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहें। मैं बहुत खुश हूँ आप सभी का प्यार मिल रहा है। माइनर स्किल्स भी मेजर स्किल्स की तरह सेम ही होते हैं, हल्का सा पैटर्न डिफरेंट होता है, बट रीड करने में बिल्कुल सेम है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी मेजर स्किल्स के बारे में तो आप अभी जाके देख सकते हैं, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आइए जान लेते हैं माइनर स्किल्स क्या होते हैं, हैव अ लुक। माइनर स्केल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 नोट्स व्हिच आर प्लेड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। This is the most commonly used scale in music theory. Mainly aggressive and sad music is composed through minor scale. Minor scale को भी major scale की तरह play किया जाता है specific pattern पे। जिस तरह मैंने आपको बताया था, दो specific pattern बहुत ज़्यादा use होते हैं music theory में, major and minor. अगर आप minor scale की जो feel को समझेंगे तो ये काफी sad feel देता है and कभी कभार इसमें aggressive music भी compose किया जाता है। तो sad music and aggressive music दोनों माइनर स्केल्स में कंपोज किए जाते हैं। सो लेट्स सी द स्पेसिफिक पैटर्न, हैव अ लुक। माइनर स्केल में भी मेजर पैटर्न की तरह 8 नोट्स होते हैं। 8 नोट जो होता है वो पैटर्न खत्म करने के लिए होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया था। दो बातें इस पैटर्न में हम ख्याल में रखेंगे। फर्स्ट, व्हिच नंबर्स आर कंबाइंड टू ईच अदर। सेकंड, व्हिच नंबर्स हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। पहले बात करते हैं कंबाइंड नंबर्स के बीच में। सेकंड, थर्ड and 5th and 6th numbers are naturally combined in minor pattern, otherwise all have spaces in between them, जैसे 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8। इसका दूसरा तरीका है, हम step by step चलेंगे। जो पहला step होता है, that is whole step, 1 और 2 के बीच में space है, that's why it's whole step, then 2nd and 3rd के बीच में space नहीं है, that is half step, then there is whole step, then half, 5th and 6th के बीच में space नहीं है, then again there will be whole step, then again whole step. Short form में याद करना है, ऐसे कर सकते हैं, W, H, W, W, H, W, W, W for whole, H for half. Minor scales, major scales से differentiate करते हैं अपने combined notes को लेकर। Major pattern में जो combined notes थे वो थे 3rd, 4th and 7th and 8th, right? माइनर में जो कंबाइन नोट्स हैं वो है 2nd, 3rd एंड 5th एंड 6th। हमेशा ख्याल रखना, जब भी आप स्केल्स की फॉर्मेशन करें तो कंबाइन नोट्स को हमेशा ख्याल में रखिएगा। सेम दोनों पैटर्न्स में 8 नोट्स होते हैं, बट इनके जो कंबाइन नोट्स हैं वो इनको डिफरेंशिएट करते हैं, वो इनको अलग करते हैं दूसरे से। और जब भी आप नोट्स का पैटर्न बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है देयर विल बी डिफरेंशिएट। अगर किसी स्केल में प्योर नोट्स लग रहे हैं तो वही अगर आप माइनर में प्ले करेंगे तो कुछ शार्प नोट्स या फ्लैट नोट्स ऐड हो जाएंगे। अगर हम नंबर्स के पैटर्न को ध्यान से देखें, कंबाइंड नंबर्स कौन कौन से हैं? सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स आर नेचुरली कंबाइंड नंबर्स, अदरवाइज ऑल हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंड एट्थ नोट विल बी द सेम नोट, the base note and end note will be the same, A. शुरुआत करते हैं step by step, A के बाद whole step B because there is a space, then half step C, whole step D, whole step E, half step F, whole step G, whole step A. हमेशा ख्याल रखिएगा combined notes को, because यही आपका mind का जो pattern बनाते हैं, यही pattern बनाते हैं, तो combined notes का हमेशा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, ये था हमारा माइनर स्केल।
मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए, बिकॉज हम म्यूजिक को स्टेप बाय स्टेप ही लर्न करेंगे और जितना आसान तरीका होगा उतने आसान तरीके से मैं आपको म्यूजिक सिखाऊंगा। आई रेकमेंड यू कि आप किसी भी रैंडम स्किल को पिक कीजिए और उसके कंबाइंड नोट्स को ख्याल में रखें, किसी भी स्किल की फॉर्मेशन कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ टू लर्न मोर एंड मोर। हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा वो होगा हाउ टू प्ले स्केल्स ऑन गिटार। ऐसे ही कुछ बढ़िया से लेसन लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक। स्टे पॉजिटिव, स्टे पैशनेट एंड स्टे म्यूजिकल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।